चार माह की गर्भवती से कहा मेरे साथ चलो वापस छोड़ जाऊंगा, मना करने पर कर दी मारपीट। शिवपुरी के गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में एक महिला अपने पति के साथ खेत पर घास काटने जा रही थी, तभी डाबर पुरा का व्यक्ति आया, महिला से कहने लगा कि मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ वापस छोड़ दूंगा। विरोध करने पर युवक ने महिला की मारपीट कर दी। महिला 4 महीने की गर्भवती थी। जानकारी के मुताबिक गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में महिला अपने पति के साथ गांव से खेत के लिए निकली थी, तभी डावरपुरा का रहने वाला रोबिंद्र बेढ़िया मिला और कहने लगा कि मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं खेत से अभी वापस छोड़ दूंगा। पति ने जाने से मना किया तो महिला की मारपीट कर दी और छेड़छाड़ करने लगा। इसका विरोध किया तो महिला सहित पति की भी मारपीट कर दी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मंगी है सर। क्या शिकायत लेके आए? वो लड़ाई हो गई थी। किससे? बेड़ियों से। किस बीच लड़ाई हो गई? पत्नी के बीच से हो गई। क्या 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 कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला पत्नी की माने उसकी मेरी पत्नी की भी उसने अंत संत बोला था, झगड़ा उसे और आत्मात भी आता पाई भी हुई उससे। क्या मतलब क्या बोला उन्होंने, क्यों बोला ऐसा? के चल मेरे साथ चल, मैं घास कटवा के लाऊंगा तेरे को अच्छा घास। विवाद किस चीज को लेके हुई? जय सर जय यही विवाद है बस। किस क्षेत्र में रहते हो आप लोग? हम रहते हैं उसी करई के पास में, रामपुरा और डावरपुरा के भी हैं बेड़िया। थाना कौन सा लगता है? गोवर्धन। हाँ तो आपने वहाँ शिकायत की थी सर? फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर कुछ माने अमन पे झगड़ा हो गया 4 बजे, हम वहाँ आ गए होंगे, आधा घंटा में लग गया होगा हमने रास्ता में, 4:30 बजे आ गए होंगे, थोड़ा और टाइम लग सकता है सर। वो फिर हमको 7:30 बजे 7 बजे बहनों बहन के तुम्हारी रिपोर्ट हो रही है। फिर हमने पूरे लोग लिखाए थे वे, लेकिन वे पूरे लोग उनने लिखे नहीं थे, मैंने 4 लोग लिखे थे। कितने लोगों ने मारपीट करी आपकी? मारपीट तो वे तो सर बहुत है, 10-12 थे। किस चीज से मारपीट करी? हमारी लठिया लुआंगी भस्सा कुलाई भी आई उन पे। एक कितने बजे की घटना हुई है? जे 4 बजे की कल। क्या चाहते हो? हम साहब ना तो हमारा कुछ बना और हम वैसे ही डरे हैं, ना हमारी कोई सुनता, बिन को तो विधायक कोई भी मंत्री का फोन ऐसे बिन का सपोर्ट लग रहा है, हमारी कोई सुना नहीं रहा, इसलिए हम आए तो वहाँ कुछ हो जाएगा तो ठीक है सर।